जाएगी इस मोहल्ले से तो मोहल्ला सन्नाटा हो जाएगा। रानी मुस्कुराती और कहती, हाँ इस मोहल्ले को सूना करके जाऊंगी और कोई नए मोहल्ले को गुलजार करूंगी। ऐसा कहकर रानी हंसने लगती है। देखते देखते रानी के लिए रिश्ता आने लगता है और नवीन से रानी की शादी तय हो जाती है। नवीन के परिवार में उसकी माँ बड़ी लालची औरत है। शादी के समय ही बड़े मोल भाव करती है, कितने पैसे लेने हैं कितने नहीं लेने हैं। दहेज में अगर एक रुपया भी कम होगा तो हम ये शादी नहीं करेंगे। हमारे हीरे जैसे बेटे को न जाने कितने घर से रिश्ते आए हैं और एक से एक लोग कितने कितने दहेज देने के लिए तैयार हैं। शुरू में तो इस तरह की बातें सुनकर रानी अपने पिता से कह देती है कि पापा ऐसे लालची घर में मेरी शादी मत कीजिए। लेकिन पापा कहते हैं, बेटा ऐसे ही लोगों से पूरा समाज भरा हुआ है। तुम सोचोगी कि कभी कोई ईमानदार लड़का सामने से आएगा, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे गुण को देखकर तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा। किताबों में फिल्मों में इस तरह के पात्र नजर आते हैं लेकिन समाज में नहीं है। सभी पैसे रुपए के लालची होते हैं, लेकिन बाद में धन दौलत लेने के बाद जब एक बार शादी हो जाती है तो फिर तुम्हारे गुण को देख के तुम्हारे स्वभाव को देख कर वो लोग तुम्हें मानने लगेंगे, तुमसे प्यार करने लगेंगे। फिर रुपया पैसा मायने नहीं रखेगा। गृहस्थी ऐसे ही बसती है। रानी अपने पापा की सीख सुनती है तो चुपचाप रह जाती है। वो ये जानती है कि मेरी उम्र कम है और मुझे तजुर्बा नहीं है। शायद माता पिता सही कह रहे हैं। शुरू में जब शादी नहीं हुई होती है तो हम सिर्फ एक लड़की होते हैं उनके लिए, बाद में उनके घर की बहू बन जाएंगे तो उनके घर की इज्जत भी हो जाएंगे। देखते देखते रिश्ता तय हो जाता है। खूब सारा दान दहेज और सामान के बल पर यह शादी तय होती है। रानी देखते देखते विदा हो जाती है और बहुत सारा दान दहेज लेकर अपने ससुराल में पहला कदम रखती है। खूब भव्य स्वागत होता है और ससुराल वाले भी पैसों की कोई कमी नहीं है। ग्रैंड रिसेप्शन करते हैं और रानी और नवीन अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करते हैं। रानी के पिता ने नवीन को पूरे 7 लाख रुपए कैश में दिए हैं। नवीन उस 7 लाख रुपए को एक सूटकेस में पैक करके अपने घर में एक अलमारी में रख देता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ ये पैसे कहीं गलत जगह में खर्च ना हो जाए, हमें मंजू की शादी भी करनी है, इसीलिए इस पैसे को एक जगह रहने देते हैं, एक अलमारी में रख दी जाती है। रानी बेहतर जानती है कि ये सारे मेरे पापा के दिए पैसे हैं, लेकिन मन में रानी ने ये भी सोच रखा है कि पापा ने पैसे तो दिए हैं लेकिन वो हम अपने भविष्य में खर्च करेंगे, मंजू की शादी के लिए नहीं देंगे। ऐसी बात नहीं है कि मंजू के पिता के पास उसके लिए उनकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा नहीं है, पर वो एक रुपया भी खर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। ससुराल वालों की स्ट्रेटेजी रानी को बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। रानी के पिता से महंगे महंगे सामान इसलिए मंगाए गए थे ताकि वो सारे सामान मंजू के दहेज में दिए जा सके। मंजू की शादी भी तय की जा रही है और 3 महीने के बाद शायद मंजू की शादी हो जाए। घर में फ्रिज था, फिर भी डबल डोर का एक ब्रांडेड फ्रिज मंगवाया गया और उसका कवर तक नहीं खोला गया है, चुपचाप से उसे ऊपर वाले फ्लोर में रख दिया गया है। उसी तरह अलमारी, बड़ा कूलर और न जाने कितने महंगे महंगे फर्नीचर लिए गए हैं रानी के पिता से, और सबको किसी को हाथ भी नहीं लगाया जा रहा। घर में सोफा है, सब कुछ है, पलंग है, पुरानी चीजें, लेकिन नई चीजों को खोला नहीं जा रहा। रानी समझ गई है कि ये सारी चीजें दहेज में जाने वाली है मंजू दीदी के लिए। भला ये क्या बात हुई कि बहू के पिता से दहेज लेकर अपनी बेटी को देकर विदा करना। मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मेरे पिता को भी तो पैसे की कमी थी, फिर भी दबाकर मेरे पिता से पैसे लिए गए और जानकर इतना बोझ उन पर डाल दिया गया। अगर शादी आपको अपनी बेटी की करनी है तो खर्च आपको करना चाहिए, ना कि मेरे पिता खर्च करेंगे। मेरे पिता अपनी बेटी की शादी भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी बेटी का भी दहेज दे रहे हैं, और ये मैं नहीं होने दूंगी। रानी जाकर नवीन से कहती है कि मंजू दीदी की शादी में कितने पैसे कैश दे रहे हैं। नवीन कहता है 5 लाख या 6 लाख रुपए। रानी कहती है वो पैसे आएंगे कहाँ से। नवीन कहता है ना मेरे पास 7 लाख रुपए, मैं उसी में से 6 लाख रुपए दूंगा। रानी कहती है वो मेरे पापा के दिए पैसे हैं, वो आपके लिए हैं और मेरे लिए हैं, ना कि मंजू दीदी के ससुराल वालों को दहेज देने के लिए। आप मंजू दीदी के ससुराल वालों को कह दीजिए कि हम नहीं सकेंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दहेज दे सकें। अगर बिना दहेज के शादी करनी है तो कीजिए, और अगर दहेज देनी है तो आप अपने पिताजी से कहिए कि वो पैसों का इंतजाम करें, मेरे पापा के दिए पैसे मैं नहीं देने दूंगी। रानी की इस तरह के तेवर देखकर नवीन घबरा जाता है, जाकर अपनी माँ से कह देता है, माँ रानी को क्या हो गया है, वो कह रही है जो 7 लाख रुपए हैं मेरे पापा के दिए पैसे हैं। सासू माँ जाकर रानी को डांटने लगती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की जबान चलाने की, क्या तेरी ननद तेरी बहन जैसी नहीं है। रानी कहती है क्यों माँ जी, मैं भी तो किसी की बेटी थी, मेरे पिता को आपने कह दिया था कि एक रुपया भी कम मिले तो हम मंडप से उठ जाएंगे और ये शादी नहीं होने देंगे। आज मेरे घर से आए सारे सामान और सारे पैसे को आप अपनी बेटी को देकर विदा करना चाह रही हैं, मैं ये सब सुनकर और जानकर भी कैसे चुप रह सकती हूँ।
आप लोगों को तो फिर भी पैसे की कमी नहीं है। मंजू दीदी की शादी धूमधाम से भी आप लोग कर लेंगे तो भी मेरे दिए सामान और पैसों को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे पापा बेचारे कहाँ कहाँ से पैसे उठाकर बाजार से लाए हैं उधार पर, और न जाने कितने साल लगेंगे उन्हें चुकाने के लिए। ये महंगे महंगे ब्रांडेड सामान वो अपनी बेटी को इसलिए दिए हैं कि बरसों तक मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं, और मुझे ये सुकून हो कि मेरे पिता ने ये सब दिए हैं। लेकिन आप ये सब सामान सीधा उठाकर मंजू दीदी के ससुराल वालों को दे देंगे और नाम कमाएंगे आप लोग। खर्चा अगर मेरे पिता किए हैं तो नाम उनका होना चाहिए, ना कि आप लोगों का। सासू माँ को बड़ा बुरा लगता है और कहती है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पिता के दिए सामान को हम कहीं भी नहीं देंगे, मंजू को भी नहीं देंगे। बस अपने पिता से कहो कि 10 लाख रुपए का इंतजाम और कर दें। रानी कहती है, हाँ, ताकि आप उन 10 लाख रुपए से और सारे ब्रांडेड सामान खरीद कर मंजू दीदी को दे सकें। बेवकूफ समझ रखे हैं क्या माँ जी? शादी हो गई है, इसका मतलब अब ये नहीं कि मैं और मेरे पापा आपके पैरों पर झुक जाऊँ। मुझे आप लोग यहाँ रखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं रखना चाहते तो मैं अपने घर वापस चली जाती हूँ। सारे कैश और सारे सामान मेरे घर वापस भिजवा दीजिए। रानी की इस तरह की अग्रेसिव बातें सुनकर सासू माँ घबरा जाती है और सीधे जाकर नवीन से कहती है, अपनी पत्नी को अपने काबू में रख और उसे कह दे कि उन्हें उनका सामान और उनके पापा के दिए पैसे हमें नहीं चाहिए, हम मंजू की शादी का इंतजाम कर लेंगे। हालांकि मंजू के माता पिता को पैसे की कोई कमी नहीं थी, बाद में मंजू की शादी धूमधाम से होती है और बहुत सारे पैसे देकर,